नमस्कार दोस्तों चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज एक बड़ी क्लास एक बेहतरीन क्लास की तरफ हम लोग पढ़े बढ़ेंगे जैसा कि आप सभी को पता होगा नेक्स्ट मंथ में बिहार पुलिस का एक तारीख से एग्जाम है स्टेनो का एग्जाम है सीपीओ का एग्जाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम है सीजीएल मेंस भी नज़दीक है और साथ ही साथ आपके अन्य एग्जाम दिल्ली पुलिस वह अभी अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया कि चार छह महीना हो या इवन दो महीने भी हो, तो इन सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लास्ट टेन मंथ करेंट अफेयर यूजुअली मैं छः महीने का कराता रहता हूँ करेंट अफेयर लेकिन जब भी कोई एग्जाम नजदीक आता है और इस बार तो पांच पांच एग्जाम नज़दीक हैं उन सभी को ध्यान में रखकर एक मैं कोशिश करूंगा आपके साथ करेंट अफेयर की क्लास बड़ी और लंबी करने की और एज यूज़ुअल मुझे ये थोड़ा सा एहसास रहता है कि जो मेरी स्पीड है पढ़ाने की वह थोड़ी तेज़ रहती है मतलब एक गुड रिदम में चलती रहती है तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे लेकिन फिर भी मैं एक और स्टार्टिंग में ही घोषणा कर देता हूं जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज एक करंट अफेयर कैप्सूल बैच भी लॉन्च होगा जिस कैप्सूल बैच के साथ आपको स्टैटिक जीके का बैच करंट अफेयर की बुक फ्री मिलेगी क्लियर है ना क्योंकि दिन ही इतने बचे हैं अब अगर एक अक्टूबर से एग्जाम को ले लो किसके बिहार पुलिस के तो कैप्सूल कोर्स मतलब ही होता है पिछले सात आठ छह महीनों का बेस्ट करंट अफेयर टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको 25 तारीख से पेड बैच में पढ़ाना शुरू करूंगा आज वो बैच भी तीन स्टूडेंट्स के लिमिटेड सीट के साथ स्टार्ट होगी बैच उन्हीं को सिर्फ दो घंटे के लिए इसको ओपन किया जाएगा शुरू में क्योंकि करेंट अफेयर का जब जब कैप्सूल बैच आया है दस हजार बीस हजार से कम एडमिशन नहीं हुए अब दिन कम है तो ये और यही वजह है कि करेंट अफेयर तो मैं लाइव आकर के पच्चीस तारीख से रोज पढ़ाऊंगा पेड बैच में लेकिन मैंने स्टैटिक जीके का बैच पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं कि ये आर्ट एंड कल्चर है ये स्पोर्ट्स है ये ये है ये ये है ये वाद्य यंत्र है इसको पढ़ो और वो आप आज ही से पढ़ना शुरू कर सकते हैं साथ ही साथ ई बुक तो शुरुआत करते हैं आज के आ, सारी चीजों का तो याद रखना जो लोग भी बैच के साथ जुड़ेंगे पेड बैच के साथ मैं लिख करके देता हूं वचन देता हूं कि उस पेड बैच स्टैटिक जीके और अफेयर से बाहर से नहीं आएगा मैंने बहुत यार तुम लोग देखते हो कि मैं पे लगातार लगा रहता हूं तो एग्जाम का ट्रेंड हो या टीसीएस का पैटर्न वो बहुत अच्छे से समझ में आता है और मेरे बिहार के दोस्तों ध्यान रखना आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी और आप सभी मेरे बिहार के दोस्त और अन्य दोस्तों को जुड़ना पड़ेगा इस कैप्सूल बैच से तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का आप थंबनेल से भी देख सकते होंगे चाहे एशिया कप की बात करें या उनहत्तरवें फिल्म अवार्ड की या जी ट्वेंटी की या मंगलयान की या फिर किसी अन्य बड़े इवेंट की सब कुछ कवर है आज की क्लास में तो शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता रहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया वो वाली आपकी जो बात है ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं पहले मैं शुरुआत करूं जैसे अभी आज आपके सितंबर में हम लोग हैं लगभग सितंबर तो मैं सितंबर फिर आपके अगस्त जुलाई जून मई ऐसे पीछे की तरफ जाऊंगा तो शुरू के क्वेश्चन आपको ऐसे महसूस होंगे अरे यार ये तो मेरा तैयार है ऐसा होगा आपके साथ लेकिन जैसे जैसे महीना पीछे की तरफ घूमता जाएगा आपको लगेगा अच्छा और एक चीज मैं पढ़ाने से पहले आपको एक काम और देता हूं वो क्या सर आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि क्वेश्चन दर क्वेश्चन एनालिसिस करते रहना कि क्या ये कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है वो बात आपके अंदर होनी चाहिए और साथ ही साथ शुरू में बता दूं इस पूरे क्लास की पीडीएफ मेरे अड्डा के कम्युनिटी पे मिलेगी अड्डा के ऐप पे अब अड्डा के कम्युनिटी पे मैं खुद एक्टिव हूं कल रात से ही एक्टिव हुआ हूं ज्यादा क्योंकि अब वो आईओएस मोबाइल एप्पल मोबाइल में भी उसका ऐप आ गया है अड्डा का जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है तो मैं खुद उस पर अब लिख रहा हूं अगर आप जाए तो देख सकते हैं ठीक है ना तो मैं खुद वहां पर कम्युनिटी दूंगा और वो कम्युनिटी आपको मिलेगी कैसे कम्युनिटी पे इस पूरे क्लास की पीडीएफ जब आप अड्डा का ऐप डाउनलोड किए हूँ अड्डा के ऐप की लिंक यहां पे आपको दी गई है चलिए शुरुआत करते हैं पिछले दस महीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का एक बार इसे चार हजार हो जाने दो और उसके बाद धड़ल्ले से शुरू करेंगे ठीक है ना तो सब लोग रेडी हो ना ये क्लास डेढ़ दो घंटे चलेगी और यार हर क्वेश्चन के साथ तुम्हें जूझना है हिम्मत मत हारना क्योंकि मैं अच्छे से बता दूं आज के इस चार सौ लगभग क्वेश्चन से आपके कम से कम चार से नंबर हैं डेढ़ दो घंटा आपके लिए अनमोल साबित होंगे ऐसा मैं वादा करता हूं कन्फर्म लिखता हूं एक बार सब लोग लाइक और लाइक बराबर कर दो और उसके बाद क्लास की स्टार्टिंग करते हैं देखते हैं कि आज हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं तो मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत पहला क्वेश्चन फिल्म पुरस्कार उनहत्तरवे जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है भैया अपनी अपनी फेवरेट याद कर लो लेकिन वो आंसर मत देना क्योंकि हो सकता है ये आपकी फेवरेट ना हो किसी और की हो हालांकि मेरा एक दोस्त है लोकेश उसकी कृति सैनन है आलिया भट्ट तो आप लोग की होंगी ही होंगी ये ऑप्शन टिक मारते हैं ये उनहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की बात है अगला पॉइंट फिल्म पुरस्कार 2000 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है अभिनेता सर जाहिर सी बात है जो अलग ही निकले जा रहे हैं आपके अल्लू अर्जुन जी ठीक है ना झुकेगा नहीं साला नहीं झुके और पा गए अवार्ड अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भाई चार ग्रैंड इस्ले, स्लैम है ऑस्ट्रेलियन यूएस विमल्डन और फ्रेंच एक तो आपके पेपर में रहना ही है महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है महिला सिंगल्स तो महिला सिंगल्स का खिताब आर्याना सबालिका ने जीता है ये ऑस्ट्रेलिया की है कोको गॉफ ने कौन सा जीता है तो सर ये यूएस ओपन यूएस ओपन के महिला आ, आ, सिंगल का खिताब जीती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब खिताब किसने जीता है? पुरुष पुरुष सिंगल, सिंगल सर सिंगल का जोकोविच ने और यूएस वाला भी यही उड़ा ले गए यूएस वाला भी अगला 2023 में जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है मतलब हो गया किया गया तो सर जी ट्वेंटी का अठारवा अगला दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार ये अभी इधर के हैं हैं तो 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 तुमको लग रहा होगा कि तैयार तो थोड़ा बीतने तो दो सही हो रहे की पहली से, भारत में, आपके महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी ने चलवाई चोकुआ चावल किस राज्य में पाया जाता है जिसे हाल ही में जी टैग दिया गया है बताइएगा जीआई टैग तो चोकुआ चावल असम में पाया जाता है असम में हाल ही में आयोजित किए गए मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है वंशिका परमार प्रियंसेन स्वाति शर्मा रुचिका पाल बताइएगा तो सर मिस अर्थ का खिताब किसने जीता है इंडिया के सेन ने मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां हो रहा है सर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर में हो रहा है इस बार भारत में हो रहा है नेक्स्ट राम ब, राम बन सुलाई सहद किस राज्य या शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है सर जम्मू कश्मीर डेनियल मैकगाहे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली ये सब लेटेस्ट है अभी कई लोगों को आंसर हो रहे होंगे तो अच्छा एक लोग पूछ रहे हैं सर कितने देर तक क्लास चलेगी लल्ला आज कम से कम डेढ़ घंटा तो तुम्हें अपने पास रखना चाहिए कनाडा अगला सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है और मैं आज इस क्लास की पीडीएफ अपने कम्युनिटी पे दूंगा जो अड्डा के ऐप पर कम्युनिटी है तो अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए मैं कम्युनिटी पे इसे अपलोड करूंगा पूरी पीडीएफ और ये बात बार बार नहीं बोलूंगा पहला भारत का आदित्य एलवन पहला अच्छा जहां पे, पे जाकर के रुका है उस पर्टिकुलर स्थान को क्या नाम है उस पर्टिकुलर स्थान को किस नाम से जाना जाता है जैसे हम लोगों पढ़े ना कि सर वो चंद्रयान थ्री जहां उतरा वो शिव शक्ति पॉइंट है चंद्रयान टू जहां उतरा वो आपके क्या बोलते हैं तिरंगा पॉइंट है तो जो सूर्य मिशन एलवन जहां पे जिस कक्षा में जाकर के लैंगरेंज पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट सबको पता होगा ये एलवन जीरो ग्रेविटी वाला है तो ये भी याद रखना इसको हेलो पॉइंट या लैंगरेन्ज पॉइंट भी कहते हैं अगला पॉइंट हाल ही में पास किया गया नारी शक्ति वंदन नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन है मैंने कहा ना आज की डेट तक का लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें शामिल कर लिया हूं तो कौन सा संशोधन से, से पारित हुआ मात्र दो वोट इसके खिलाफ पड़े थे जो ओवैसी ओ, 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 जी हैं एक उनका वोट और एक उन्हीं की पार्टी के सांसद का वोट निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अब एक बात आप यहां और जानिए इन्हीं की पिक्चर रॉकेटरी को 69वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है आर माधवन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सडमुघ रत्नम को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है सडमुघ रत्नम को हाल ही में बताइए तो सर सर रत्नम ये बने हैं सिंगापुर के सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है अगला पॉइंट ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल रिपोर्ट 2023 में किस गवर्नर को ए प्लस रेटिंग दी गई है अब ग्लोबल से एक वर्ड और याद करो बायोफ्यूल एलायस ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के फाउंडर देश कौन कौन है जी ट्वेंटी के मीटिंग के दौरान हुआ सर यूएस है भारत है और एक देश और बताओ कौन है तीसरा देश कौन सा है जल्दी से बताइए और साथ ही साथ फाइनेंस सेंट्रल बैंक में भारत के ही शशिकांत दास आपका कमेंट में देखूंगा आपके कमेंट में देखता रहूंगा अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का नया प्रमुख चुना गया है पीआईबी के नए प्रमुख बने हैं मनीष देसाई जी ठीक है ना मनीष देसाई जी आयोजित किए गए एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है सर जीता तो भारत ने है उप विजेता श्रीलंका है और भारत ने यह जीता है आठवीं बार ठीक है ना भारत ने यह जीता है आठवीं बार गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दो सौ गेंद से पहले ही कुल 300 सौ गेंद वनडे में फेंकी जाती उससे पहले भारत जीत गया अगला किस देश ने हाल ही में इस्लामिक बैंकिंग पूरे देश में नहीं शुरू किया है अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में शुरू किया है तो इस्लामिक बैंकिंग किसने शुरू किया है रूस ने शुरू किया है प्रायोगिक तौर पे कुछ महीनों के लिए उत्कला हवाई अड्डा सर उत्कल दिवस हम उड़ीसा के लिए मनाते हैं तो उत्केला हवाई अड्डा भी आपके उड़ीसा में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लाया है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अच्छा स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है ना इतना तो रहना चाहिए ना लला तीन तीन चार चार सौ क्वेश्चन है यार और आज के क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में में से किस देश में किया जा रहा है सर सऊदी अरब में किया जा रहा है भारत में आयोजित किए जा रहे जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है सर थीम है ये भी ये भी इसलिए आंसर है ये भाई वसुदेव कुटुंबकम है ही है वन अर्थ वन फैमिली वन एग्जाम में एक बात और याद रखना वो हो सकता है फैमिली को आगे कर दे अर्थ को पीछे कर दे फ्यूचर को बीच में कर दे ये टफ हो जाएगा तो आपको याद रखना है पृथ्वी पे आपका परिवार है तभी आपका भविष्य है पहले पृथ्वी आएगी ना उसके ऊपर आपका परिवार हमारा परिवार बैठा है ना तब हम लोग का भविष्य है ना सीक्वेंस याद रखना जरूरी है यह किस उपनिषद से लिया गया है तो सर यह महा उपनिषद से लिया गया है यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा मुझे जो एक एग्जाम में आप आप लोगों को डर है जो हाँ पे आप मार्किंग करेंगे वो ये कि यही अर्थ फैमिली फ्यूचर को आगे पीछे करेगा और चार ऑप्शन बना देगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो अब याद रहेगा न लल्ला सभी को कि पृथ्वी पे आपका परिवार है परिवार में आपका भविष्य है ठीक है ना परिवार से जुड़े रहिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सी ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों ही हैं हमारे थीम भारत की पहली गोरिल्ला गोरिल्ला से मुझे याद आया गैंडा 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है 2010 में इसकी पहल हुई थी और सबसे पहली बार 2011 में मनाया गया था तो जो जो अपने घर के गैंडे हैं साण हैं उन सभी को बधाई क्योंकि हम लड़कों को साथ लड़कियों तुम लोग सुनो एक अत्याचार होता है तुम लोग के भी भाई होंगे जब हम लोग की मम्मी उम्मीदी को अभी गुस्सा होती है गैंडा की तरह हो गया एक काम नहीं करता साण की तरह हो गया एक काम नहीं करता तो हम घर के गैंडों को भी बधाई कि 22 सितंबर मनाया जाता है गैंडा दिवस और तेलंगाना कितने लोग घर में सुनते हो कि गैंडा की तरह हो गया साढ़ की तरह हो गया है गधे की तरह एक काम नहीं करता है हम लोग जबकि काम करते हैं ऐसा थोड़ी है हाल ही में आयोजित किए गए एक सौ डुरंड कप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है <coughs> बताओ 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 हाल ही में आयोजित किए गए कप का देखो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने लिए लल्ला इसका राइट right आंसर है मोहन बागान ने जीता है निम्न में से कौन इटालियन ग्रैंड पिक्स को लगातार दसवीं बार जीतने वाले सर वो कमाल करने वाले हैं मैक्स वेपन मैंने क्या कहा था नब्बे कार रेसिंग का अवार्ड यही व्यक्ति जीता है ठीक है ना दू जीते हैं सार्जियो पेरेज एक सऊदी अरब वाला एक और कोई सा और एक अभी कार्लोस सैंज नाम का प्लेयर जीता है सिंगापुर का बाकी सब यही जीते हुए हैं तो जब अगर भाई दिवे नहीं आ रहा है और क्वेश्चन कार रेसिंग का आ गया तो नब्बे प्रतिशत में यही आंसर है यह व्यक्ति ठीक है ना यह बात याद रखना इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय सर लोकेश सूजी बने हैं लोकेश सूजी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए सर आजादी का पचहत्तरवा अमृत महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाए पचहत्तर शिक्षक को हम लोगों ने बेस्ट अवार्ड दिया शिक्षक पुरस्कार आदित्य एलवन को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है आदित्य एलवन को अब देखो अब अब दिमाग घूमा ना कि अरे यार ये तो हम कुछ है दिन पहले पढ़े थे मार ताली वाली बजाए थे इसरो के लॉन्चिंग पे एकदम लगे हुए थे इसे बैठ करके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन पीएसएलवी एस सी फिफ्टी सेवन ठीक है ना अगला दोहरे उपयोग के लिए डीसीजीए अनुमोदित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला बहु उपयोगिता कृषि लघु श्रेणी का ड्रोन बन गया है अब बताओ इसमें भी मैंने छोटा सा ट्रिक बताया था अब जो स्टूडेंट आज नए होंगे उन्हें नहीं याद आ रहा होगा जो हमारे पुराने स्टूडेंट रेगुलर क्लास के होंगे उनको याद आ गया होगा ए जी, सुनो ना जी तीन सौ पैंसठ दिन बस पति को यस यस कहना और पत, पत्नी को कहना ए जी ए जी ए जी पत्नी या गर्लफ्रेंड जहां बॉयफ्रेंड को बोली ए जी तीन सौ पैंसठ दिन लड़का एकदम तैयार हा, हा यस 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 ए जी तीन सौ पैंसठ खत्म अब रटने का तरीका और क्या अगला काशी कल्चर पाथवे मैं खुद छोरा गंगा किनारे वाला काशी का नाम आ गया जी ट्वेंटी की बैठक में संस्कृति अरे यार हम तो डिटेल बताने लगे हट सी ऑप्शन जी ट्वेंटी ठीक है ना जी ट्वेंटी अगला क्वेश्चन हाल ही में किसने रमन मैक्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है 2023 रमन मैक्सेस पुरस्कार रवि कन्नन को दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रेलवे अब अब देखो अब आ आ जाए जाए वैकेंसी तो फिर मजा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जी बनी है ठीक है जया वर्मा गीतिका श्रीवास्तव निम्न में से किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है सर आज से पहले हम लोगों ने पाकिस्तान में इस पद पर किसी महिला को नहीं भेजा था आजादी के जबकि छिहत्तर सतहत्तर साल हो गए पहली बार ऐसा हुआ कोई महिला गई है प्रभारी बनकर के आधार से जुड़ा जनपंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बना है आज जो स्टूडेंट लगातार क्लास के साथ लगा रह जाएगा मैं वादा करता हूं वो चार छह नंबर लेके जाएगा डी ऑप्शन नागालैंड और अपने आप को जोड़ो ना अब एग्जाम ही कितने दिन रह गया है खुद से सोच लो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सौर सिटी सांची का उद्घाटन किया गया है सांची का उद्घाटन सर सौर सिंची सांची का उद्घाटन मध्य प्रदेश में सांची भोपाल से कुछ ही दूर है अगला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय एयरोपेस सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस स्थान पर की गई है सो समझ के बताओ एरो स्पेस की मेजबानी ग्वालियर में हुई है ठीक है ना ग्वालियर नाट्या बूचा थम टी ट्वेंटी में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज हैं वह किस टीम की खिलाड़ी हैं एसोसिएट देश है थाईलैंड मतलब इनको आईसीसी की पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं है कि पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई टी ट्वेंटी वनडे टेस्ट सारा खेले सातो किलमैन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है बताइएगा सातो किलमैन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लल्ला वानुअ के प्रधानमंत्री आप देखो जो कैपिटल करेंसी राजधानी पूछता है ना इसका आप तुमको कैपिटल याद करना होगा करेंसी याद करना होगा और मैं जब इसकी डिटेल क्लास ले रहा था तो वहां बताया भी हूं फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है बताओ सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है सर रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को मिला है ठीक है रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में किसे ने कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है सर ने के चेयरपर्सन है राजेश नाम्बियार अगला जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है बताओ जी ट्वेंटी सर जी ट्वेंटी इंडिया है ऐप का नाम जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई 2022 अब देखो यहां पे अगर ऑप्शन में एक मिनट के लिए भारत आ जाए तो मैक्सिमम लोग भारत टिक मार के आ जाएंगे जबकि पूछ रहा है 2022 तो इंडोनेशिया क्योंकि जी ट्वेंटी का जो ट्राइका है उसमें यहां पे यहां, पे इंडिया और यहां पे ब्राजील है ये 2022 है ये 2023 है ये इंडिया है ठीक है ना ये इंडिया है और ये इंडोनेशिया है और ये आपके ब्राजील है तो ये आपको याद रखना होगा ठीक है ना ये है ट्राइका अगला पॉइंट तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा फायर ऑन द गंगेज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है फायर ऑन द गंगेज यह किताब लिखी गई है राधिका अयंगर द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सेफ सिटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है सेफ सिटी योजना हरियाणा में शुरू की जा रही है निम्न में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीवन सबल योजना शुरू की गई है बताओ कौन सा राज्य है जिसने सबल योजना शुरू की है सबल योजना है सर हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भारत का पहला यूपीआई एटीएम निम्न में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया मतलब अपने यूपीआई से स्कैन कर लोगे अपना एटीएम पिन अपने मोबाइल में डालोगे अमाउंट डालोगे निकल जाएगा पैसा यह मुंबई में किया गया है ठीक है ना मुंबई में अगला पॉइंट भारत अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस निम्न में से पहला क्षमा करेगा भारत नहीं पहला अंतरराष्ट्रीय यह सर इंटरपोल की स्थापना दिवस के समय पर मनाया गया है सात सितंबर को ठीक है ना सौ भी वर्षगांठ मनाई <coughs> गई तब क्लाइमेट रेली रेजिलिएंट एग्रीकल्चर तीन दिवसीय जी ट्वेंटी तकनीकी कर अब अब याद आ रहा है अब अपने दिल पे हाथ रख लो आ तुक्का मारने के सिवा बचा क्या है अगर याद है तो ठीक <coughs> नहीं तो तुक्का मारने के सिवा क्या बचा है सर इसका राइट आंसर है आपके हैदराबाद ठीक है ना हैदराबाद किस देश ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम को लॉन्च किया है सर हम लोग तो चंद्रयान थ्री को लॉन्च किए दक्षिणी ध्रुव पे ले गए जापान भी अपना दक्षिणी ध्रुव पे ले गया और नाम क्या रखा स्लिम ठीक है नाम क्या रखा है स्लिम अगला हाल ही में यार आयोजित किए गए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब 2023 का किसने जीता है बताइएगा अब सोच समझ के बताओ क्या आंसर हो जाएगा हैं तब मजा आवे थोड़ा बताओ तो किसने जीता है भैया तो बी ऑप्शन प्रवीणा अंजना ने जीता है अब क्वेश्चन हो और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। जितने लोग, लोग लाइक तो कर दो और हां सबके मन में एक बात चल रही होगी सर इसकी पीडीएफ अड्डा का ऐप डाउनलोड करो वो उसकी लिंक देखो चैट बॉक्स में है यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐप के ऊपर कम्युनिटी मैं बता दे रहा हूं आज इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी फिर उसके बाद दूसरा जब कम्युनिटी पे आप क्लिक करोगे तो आपको दूसरा यहाँ पे ओपन होगा एक्सप्लोर ग्रुप यहां पे लिखा होगा एक्सप्लोर ग्रुप और जब आप एक्सप्लोर ग्रुप के ऊपर जाएंगे तो तीसरा आपको खुलेगा जहां पे कहीं पे मैं खुद बना होऊंगा और लिखा होगा करेंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर ठीक है ना यहां पे एक ब्लॉक होगा फॉलो करने का और यहां पे होगा पीडीएफ का वहां पे पीडीएफ मिलेगी तीन स्टेप है इस पूरे 400 क्लास की पीडीएफ का 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 अड्डा अड्डा ऐप ऐप डाउनलोड डाउनलोड करिए करिए कम्युनिटी पे क्लिक करिए एक्सप्लोर ग्रुप आशुतोष को फॉलो करिए वहां पर इसकी पी मिलेगी खैर ये तरीका है इस क्लास की पीडीएफ पाने का इसका राइट आंसर क्या है बी ऑप्शन उड़ीसा ठीक है ना इसका राइट आंसर क्या है काला जीरा उड़ीसा अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इसके लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है ठीक है बी ऑप्शन अगला स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है सर इसका आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में और इसका पिछला विजेता भारत है जो गली का क्रिकेट होता है उसका भी विश्व का हो रहा तेरा देश भाग ले रहे भारत विजेता भी, भी है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर फर्स्ट पोजीशन पे है तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर फर्स्ट पोजीशन पे बी ऑप्शन इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे है अगला हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है बताओ विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में किस बैंक को, देश को पहला स्थान मिला है यह आपको बताना है तो सर यह स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड <coughs> संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट के द्वारा किस वर्ष तक लैंगिक समानता जेंडर गैप को समाप्त करने की बात की गई है तो वो है आपके 2023 राघव उठ गए भाई हाँ तो ठीक है आ जाइएगा सवानों तक ठीक है ठीक है, है आ जाओ <coughs> अगला आइडोल्स ये तुम ही लोग के लिए राघव को उठा दिए क्योंकि तुम लोग को पीडीएफ चाहिए होगी तो आधे उधे घंटे में बेचारा तैयार होकर आ जाएगा आधे पौन घंटे में तो जितने लोग के पास अड्डा का ऐप होगा वहां पे कम्युनिटी पे आएंगे उनको पीडीएफ दे दूंगा आइडोल्स अन द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है तो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है सलेम साबुदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है यह किस राज्य में पाया जाता है जो सलेम साबुदाना है वो पाया जाता है तमिलनाडु में ठीक है तमिलनाडु में इक्कीसवें वरुण अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन कहां किया गया है ये बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में रुलाने वाले क्वेश्चन हैं अरब सागर में भारत और फ्रांस ये अभ्यास करते हैं अफ्रीकी संघ को जी ट्वेंटी में स्थायी सदस्य बनाया गया है जी ट्वेंटी की स्थापना कब हुई थी सर 1999 में 1999 में वर्ष 2022 ईस्वी के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए किया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ए ऑप्शन बारह वैज्ञानिकों का चयन किया गया है और इस डेटा को याद रखना तीन डेटा इंपॉर्टेंट है पचहत्तर चौरासी बारह पचहत्तर शिक्षक हैं बारह वैज्ञानिक हैं और चौरासी वाला अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं उसे रिवेल नहीं कर रहा हूं यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है अमेरिका की ही उन्नीस वर्ष की लड़की कोको गोफ ने यूएस ओपन टूर्नामेंट जीत लिया पुरुष सिंगल का खिताब यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीता है सर नोवाक जोकोविच ने जीता है नोवाक जोकोविच ने जी का मुख्यालय क्या है चूंकि ऑप्शन में

सर पिंक स्टेशन है न्यू अमरावती स्टेशन और उधमपुर रेलवे स्टेशन को जी का रेलवे स्टेशन कर दिया गया है मेजर रेलवे स्टेशन निम्न में में से किसने अभी हाल ही में कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है मान लो हम बोल दें कि मेरे क्लास में मोबाइल फोन नहीं चलेगा तब तो हो चुका हमारा क्लास <laughs> इसका राइट आंसर बनेगा दिल्ली दिल्ली ने कहा है दिल्ली राज्य सरकार ने कि मोबाइल फोन पे नहीं चलेगा आपका ये अगला पॉइंट जी ट्वेंटी समूह की स्थापना कब हुई थी रटा हुआ है उन्नीस सौ भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया मैं लिख के दे सकता हूं तुम में से मैक्सिमम को नहीं ध्यान रहता ऐसे को क्योंकि तुमने इसको सीरियस लिया ही नहीं है तो ध्यान कहां से रहेगा सी ऑप्शन दिल्ली में हुआ एमएसएमई कौन सा बैंक ट्वेंटी फोर वीडियो बैंकिंग मतलब आप हमेशा 24 इंटू सेवन विडियो बैंकिंग उनके आपके कॉल कस्टमर मौजूद रहेंगे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है सर ये शुरू किया है आपके एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने देखना ये बहुत पॉपुलर होगा अब रात में कभी कभी आप बारह एक बजे भी जगह यार मेरे अकाउंट में पैसा कितना है क्या चल रहा है ये कैसे घटा और अगर आपको वीडियो बैंकिंग कॉल दबाए और एक वहां उनका कर्मचारी आ गया जी सर मेरा अकाउंट नंबर ये कितना मजा आएगा ये सब बैंक में होना चाहिए कि नहीं सही बताओ बैंक जाने की आधी झंझट समाप्त हो जाएगी चलिए अगले पॉइंट में निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज शुरू किया है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यह शुरू किया है तेलंगाना ने ठीक है तेलंगाना ने अभी हाल ही में किस राज्य ने बिजली की कमी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन को लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सौर मिशन मुख्यमंत्री सौर मिशन को लॉन्च किया है मेघालय ने ठीक है मेघालय ने पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी बताओ तो पह, पारंपरिक चिकित्सा मतलब वो जो आयुर्वेद वगैरह होता, है, जो होता है, सर गुजरात में हो रहा है भाई बहुत पारंपरिक व्यक्ति हम लोग के गांधी जी आदर्श हैं बहुत सारे लोगों के इसरो के अध्ययन के लिए अपना पहला सौर मिशन लॉन्च करने वाली इसका नाम क्या है सर लॉन्च हो चुका है और इसका नाम है आदित्य एलवन अगला पॉइंट निम्न में से किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की है सर ये लखनऊ सीतापुर हाईवे वाले रोड पे बन रहा है लखनऊ वाले उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है भारत का सबसे बड़ा आईटी हब मतलब बेंगलुरु से वो शिफ्ट कर ले रहा है इधर अपने राज्य में तो ये एक बड़ा प्रयत्न है नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए हम लोग कई बार अब ठंड के दिनों में सोचते हैं सो लो ये कर लो अच्छा नींद का एक कारण यही नहीं है कि आपको खाली आप आ, मौसम एक कारण ये भी है कि आप एक एक दो दो बजे तक मोबाइल चलाते हैं रील देखते हैं बात करते हैं वीडियो कॉल पे रहते हैं तो सुबह नौ दस बजे तो नींद खोलने में दिक्कत होगी ही ना इसलिए लल्ला कुछ समय के लिए छोड़ दो वीडियो कॉल छोड़ दो रील्स और छोड़ दो मोबाइल की जो छोटी छोटी हंसी मजाक वाली इधर उधर की वीडियो होती हैं मैं सच कह रहा हूं लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा कुछ तो निर्णय करो कुछ तो अपना ख्याल करो कुछ तो अपने बारे में सोचो अच्छा कर ले जाओगे अगला पॉइंट अनवर उल हक कक्कड़ को निम्न में से किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है बताइएगा किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है पाकिस्तान का अब सोचो कितने लोगों को ध्यान था हम्म अगला पॉइंट एशियाई का खिताब किसने जीता है एशिया चैंपियन ट्रॉफी आपके भारत ने जीता है ठीक है ना हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर मतलब मस्त एकदम वहां जाइए खाइए पिए सब सही रहेगा वियना ऑस्ट्रिया का वियना ठीक है ना अगला पॉइंट अभी हाल ही में मेरा बंगाल नशा मुक्त अभियान किस निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है सर बंगाल नशा मुक्त हो यह शुरू किया गया है जब द्रौपदी मुर्मू जी वहां की यात्रा पे गई थी तो उन्होंने उद्घाटन किया था जिसको इसका आंसर नहीं आएगा कसम से वो ममता बनर्जी टीक मार के आएगा और बड़ा खुश होगा कि एक नंबर तो हमारा मिल ही गया अब बताओ तुमको मिला है कि नहीं मिला है खुद से सोच लो हाल ही में आयोजित की गई अंडर ट्वेंटी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किसने जीता है सर वो जीता है मोहित कुमार ने ठीक है ना अगला पॉइंट भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया जा रहा है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ए ऑप्शन तमिलनाडु में शुरू किया जा रहा है हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया है नेहरू मेमोरियल की स्थापना कब की गई थी बताइएगा नेहरू मेमोरियल की स्थापना की गई थी डी ऑप्शन 1964 में नेक्स्ट युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा युवा 20 सर यह आयोजन किया जाएगा वाराणसी में हो चुका है ठीक है ना वाराणसी में ये नहीं, नहीं 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 हो चुका है ठीक है हाँ मैं आज चाय पीऊंगा जरूर चाय पीऊंगा मेरा गला वैसे भी बहुत फंस रहा था यार हम्म अगला पॉइंट भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या रखा गया है <laughs> लंबी दूरी दूर से मार देंगे रिवॉल्वर चला देंगे सर इसका राइट आंसर है प्रबल प्रबल इसका नाम है वास्तविक समय में बाढ़ की अच्छा आज से कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था 20 25 दिन या 10 दिन पहले की बात है आप लोगों के मोबाइल पे क्या अचानक से जैसे आप लोग की मोबाइल ऐसे बंद थी क्या अचानक से ऐसा कोई मैसेज आया था कि वो अलर्ट uh, भारत सरकार का अलर्ट आया था ऐसा किसके किसके मोबाइल पे मैसेज आया था कि आपदा से संबंधित एक्चुअली वो भारत सरकार एक टेस्टिंग कर रही थी कि अब किसी भी एरिया में बाढ़ भूकंप आने वाला हो तो भारत सरकार को तो पहले पता चल जाता है मशीनें लगी हुई हैं तो उस एरिया के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भैया ये आने वाला आप वो एरिया खाली कर दीजिए तो ऐसा आया था क्या क्योंकि बहुत यस बहुत सारे लोगों के मोबाइल पे आया था इस तरीके का वो यही सब शुरू किया जा रहा है समझ रहे हो ना कि बाढ़ से भूकंप से किसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भारत सरकार का जो एनडीआरएफ है और भारत सरकार गृह मंत्रालय ये पहल की हुई है अगला पॉइंट जी ट्वेंटी फिल्म महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया अभी जितना जा रहा है ना सब किया गया हो गया है तो बी ऑप्शन नई दिल्ली जी ट्वेंटी में कितने सदस्य शामिल हैं देखिए सर बात जी ट्वेंटी की है तो उन्नीस देश और यूरोपियन यूनियन अब जी ट्वेंटी वन कर देता तो अफ्रीकन यूनियन को भी हम आंसर में कंसीडर कर लेते ठीक है ना लेकिन बात जी ट्वेंटी पूछा है अगला अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप में लगातार विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है बताओ लगातार विश्व खिताब जीत रही हैं सर वो हैं आपके अंतिम पंगाल जी हो सकता है ये पेपर में आपसे ऐसे पूछे अंतिम पंगाल का संबंध किस खेल से है ये भी आपसे पूछ सकता है तो पहलवान है कुश्ती रेसलिंग अगला महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को अभी हाल ही में मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है मैटी केले को यह केरल यह केला किस राज्य से संबंधित है सर मैटी केला आपके संबंधित है कन्याकुमारी से भारत का पहला थ्री प्रिंटेड डॉग घर कहां खोला गया है देखो जैसे जैसे समय बीत रहा है ना कुछ स्टूडेंट अच्छा मैं ही बेवकूफी कर गया बेंगलुरु ठीक है बेंगलुरु अभी हाल ही में किस राज्य में इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना कौन सा राज्य शुरू किया है फ्री में खाना मिलेगा जो असमर्थ लोग हैं नहीं खाना मतलब ये कहना नहीं खाना बना पा रहे हैं ये तो गलत होगा क्योंकि मेरे साथ के ऑफिस के कई लोग हैं जो अकेले हम लोग रहते हैं खाना नहीं बना पाते हैं तो हम लोगों के लिए भी ये योजना अच्छी है सही बात है कि नहीं कितनी अच्छी योजना है स्टूडेंट मैक्सिमम नहीं बनाते हैं खाना तो उनके लिए अच्छी है देखो भैया तुम लोग राजस्थान में अगर हो तो अपना जुगाड़ देख लो बाकी हम लोग के राज्य भी शुरू करेगी तो आनंद लेंगे निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की, की सर, शुरुआत की है सर महाराष्ट्र ने ठीक है ना महाराष्ट्र ने यह शुरुआत की है हाल ही में आयोजित किए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब निम्न में से किसने जीता है फीफा महिला विश्व कप का खिताब इंपॉर्टेंट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तो फीफा महिला विश्व कप का खिताब स्पेन ने जीता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण निम्न में से किस देश में किया जा रहा है सर भारत के के लेह लद्दाख में किया जा रहा है। है, बन रहा है 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 ऊंचाई बन और क्या अगला पॉइंट फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 19वें संस्करण का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा खेल प्रतियोगिताएं तो आपके पेपर में आना ही आना है आपको आंसर नहीं आता ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है फिर वही सर पकड़ने वाली बात क्या पढ़ के आए थे क्या आ गया साउथ कोरिया में नहीं हो रहा है बाकी जापान इंडोनेशिया फिलीपींस तीनों मिलके कर रहे हैं दुनिया का पहला थ्री रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत लॉन्च कर रहा है अगला पॉइंट निम्न में से किस देश के द्वारा नौ सैनिक अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन किया गया है मालाबार 2023 का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नेक्स्ट निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है बताइएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किसने किया दक्षिण अफ्रीका ने मोदी जी भी यहां पहुंचे थे 100 so, क्वेश्चन होने के बाद फिर छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आज की पीडीएफ अड्डा के कम्युनिटी पे मिलेगी अड्डा के ऐप पर मिलेगी अड्डा के ऐप की लिंक आपके चैट बॉक्स में लगी है डाउनलोड कर लो तीन हजार स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ दी जाएगी और तीन ही हजार स्टूडेंट के लिए आज मेरा करेंट अफेयर का वरदान बैच लॉन्च हो रहा है यह तीन हजार स्टूडेंट के लिए है वरदान बैच जिसमें मैं करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके आपके लिए कवर कर रहा हूं स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके की मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा करंट अफेयर में सारी लाइव आपको पेड बैच में पढ़ाऊंगा और यह बैच आपको मिलेगा नाइनटी नाइन रुपीज में और इस बैच को ले पाएंगे तीन हजार छात्र तीन हजार छात्र क्योंकि ये तीन हजार छात्रों की इसमें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीट रखी गई है और आप देख सकते हैं कितने लाइव है इस समय मैं गारंटी देता हूं मैं एक मैं कंटेंट और सब्जेक्ट क्योंकि मैंने इसमें आर्ट एंड कल्चर यंत्र सब कुछ कवर किया है और करेंट अफेयर में टॉपिक वाइज विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा और ये एक तीस सितंबर को ये बैच खत्म हो जाएगा तो ये बात याद रखिएगा वरदान नाम से करेंट अफेयर और आप विश्वास रखना दोस्त इस छे दिन की क्लास से छे क्या सात दिन की क्लास से करंट अफेयर ये जो कैप्सूल बैच आ रहा है मैं लिख करके दे सकता हूं कोई भी स्टूडेंट अपना आठ से दस नंबर बढ़वा सकता है बस वो मुझे अपना सात घंटा दे दे दिन में घंटे दे दे मैं उसका नंबर बढ़वा दूंगा और हां एक बात और याद रखना इसमें एक खास चीज भी है जिन लड़कों का बिहार पुलिस का एग्जाम है एक छोटी इंफॉर्मेशन देके फिर पढ़ाऊंगा लल्ला बस एक मिनट जैसे मेरी सात दिन क्लास चलेगी एक दो तीन चार पांच छः सात सात दिन क्लास इसमें मेरी चलेगी छह दिन तो एस एस सी स्टेनओ सीपीओ सभी के लिए डेडिकेटेड है लेकिन बिहार के स्टूडेंट ने खास करके रिक्वेस्ट किया है उन बच्चों का एक तो जो सातवें दिन की मेरी क्लास होगी यह लंबी क्लास चलेगी और इस दिन बिहार स्पेशल बस चलेगा इस दिन इस एक दिन बस बिहार स्पेशल चलेगा जिसमें मैं पिछले दस माह का करेंट अफेयर बिहार का पूरा कवर करूंगा यह सातवें दिन वाली पेड क्लास लंबी रहेगी तो जितने लोग मुझे बिहार से देख रहे हो ये स्पेशल तुम्हारे लिए है ठीक है ना और ये तो पूरे मेरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टेनो दे रहे हैं सीपीओ दे रहे सीजीएल देने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देने जा रहे हैं और बिहार में भी आपके वो तो दिन रहेगा ही रहेगा ठीक है ना तो ये आज बैच लॉन्च होगा खैर अब आइए आते हैं और तीन हजार स्टूडेंट ही ले पाएंगे आठ से दस के बीच में फिर ये क्लोज भी होगा अगर तीन हजार हो गया तो ठीक है ना अब भरोसा रखना मेरे दोस्तों मैं खुद तुम लोग की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं तुम्हारे एक-एक रुपए की वैल्यू होगी रिकॉर्ड कर दिया है वो तो तुम आज ही से पढ़ना शुरू कर देना शुरू से से कर देना निम्न में से कौन सा देश ताकि अच्छा ये बैच सर मैं पढ़ाना कब से शुरू करूंगा पच्चीस तारीख से पच्चीस सेप्टेम्बर से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा लेकिन यह बैच लॉन्च आज हो रहा है इस चार दिन में तुम्हें जी तरीके का सारा रिकॉर्डेड मैं दे दूंगा तुम लोग प्लीज मेरे लल्ला इसको तब तक सुन लिए रहना और फिर यहां से मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर दूंगा लाइव आकर के दोपहर में चार बजे दोपहर में चार बजे ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है वो तो हो गया डीजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला सर डीजी यात्रा सुविधा असम प्रदान करेगा असम विश्व का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग फेडरेशन से रिलेटेड है अजरबैजान में नेक्स्ट निम्न में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसाइट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है बताइए तो माइक्रोसाइट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है मिजोरम अगला पॉइंट हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बहुत धूम मचाई हुई है ये मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में ठीक है नेक्स्ट अभी हाल ही में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है बताओ ये बहुत दिन एनजीटी के अध्यक्ष नए नए कौन बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी बने हैं बहुत दिन से ये करेंट अफेयर बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है सर ए ऑप्शन विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है अब ये आपको आसान लग रहा होगा मुझे भी पता है कि आप इसको आसान लेकिन वही बात है छह महीने बाद तो सर भारत चौथा पहला देश बना हां दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश ऐसे चौथा देश ओवरऑल में चौथा देश ठीक है अगला चंद्रयान थ्री की सफलता के बाद इसरो निम्न में से किसके साथ मिलकर अपने अगले मिशन ल्यूपिक्स को लॉन्च करेगा बताओ ल्यूपिक्स को लॉन्च कर रहा है इसरो किसके साथ मिलकर के सोच समझ के आंसर करना ल्यूपेक्स किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है तो ल्यूपेक्स सर किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है जापान के साथ और जापान का चंद्र मिशन का नाम क्या है स्लिम अगला पॉइंट अभी हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है सर इसका नाम कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग ठीक है ना अस्मिता महिला लीग किया गया है एनसीआरटी के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया है <coughs> आप क्वेश्चन देखो और अपनी तैयारी भी देखते रहो इसीलिए बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आज जो तीन हजार बच्चों का बैच लॉन्च हो रहा है उसमें जिड़ जा, जुड़ जाना सात दिन मेहनत करने को मेरे साथ तैयार रहना करंट अफेयर की समस्या समाप्त कर दूंगा ठीक है अगला हाल ही में एन रामा राव की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो एन रामा राव जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है खान खनन प्रहरी प्रहरी मतलब वॉच डॉग ना जो चीजों को ऑब्जर्व करता है देखता है रोक लगाता है हाल ही में द्विपार्षिक बहुपक्षीय थ्री सेवा ब्राइट स्टार ट्वेंटी अब आर्मी एक्सरसाइज तो पूछता है हम बैठे हैं वरुण अरुण गरुण याद करके पूछ दिया ब्राइट स्टार 23, मैटर गया थ्री मैटर वाला इंपॉर्टेंट भी है ये हमारे गेस्ट भी रह चुके हैं 26 जनवरी पे हाल ही में एमरसन मांगवा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं तो एमरसन मांगवा जिम्बॉम्बे के जिम्बॉम्बे का प्राचीन नाम रोडेशिया आजकल इटली की प्रधानमंत्री तो छाई हुई है ना अब वो वाला गाना खूब चल रहा है आइए मिलिए अब अपने ससुर से फिर अपने सास से मिलिए फिर अपने उनसे इनसे बड़ा मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर का जी ट्वेंटी में भारत ने जो सम्मान दिया हमें लगता है कोई इस बार जो बाइडन भी पीछे छूट गए हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर से ठीक है ना वो एक है अगला पॉइंट किस शहर ने देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है बताइए देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर ने जीता है अगला श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है तो पहला स्थान भारत को ही प्राप्त हुआ है भारत वाले खूब श्रीलंका पहुंच रहे हैं समझ रहे हो ना वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप दो में भारत ने कौन सा पदक जीता है ठीक है ना तो ए, एक लड़की पूछ रही है ये कौन सा गाना है कि आइए मिलिए अपने ससुर से अरे यार वो सलमान खान की एक मूवी नहीं आई थी जिसमें माधुरी दीक्षित और कौन कौन थी बहुत पुरानी मूवी है लेकिन उस बहुत फेमस है उसका ये गाना है और बड़ा अच्छा गाना है शादी विवाह के ऊपर अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन बहुत फेमस है अभी देखो कमेंट में आ जाएगा उसका नाम तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में ए ऑप्शन स्वर्ण पदक ठीक है ना स्वर्ण पदक हम साथ साथ हैं शायद हो सकता है वही हो हम साथ साथ हैं हाँ हम साथ साथ हैं का गाना है तो सलमान खान उसमें है माधुरी जी तो नहीं है ठीक है ना हम साथ साथ हैं अगला निम्न में से अच्छा हम साथ साथ हैं ये भी तो बात है तो आइए मिलिए अगले प्रश्न से ठीक है ना निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है ब्रिक्स 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है बताओ भैया हम्म तो निक्की पांडे जी बताओ सबसे अमीर आदमी कौन है सर सबसे अंबानी तो जी चल रहे तो में जारी की गई फॉर्च्यून ग्लोबल पांच सौ की सूची में किस कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है बताओ किस कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वालमार्ट को वालमार्ट एक बहुत बड़ा चेन है मार्केट में निम्न में से अभी हाल ही में किसे नौ कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है नवरत्न सर नौरत्न कंपनी का दर्जा ओ विदेश लिमिटेड को ठीक है ना ओ विदेश लिमिटेड को निम्न में से कौन एक सीजन में दो टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बन गई हैं सर वो कोई और नहीं भारत की अदिति स्वामी है अदिति स्वामी तिरासीवा ग्रैंड मास्टर अच्छा देखो जैसे जैसे अब क्लास आगे बढ़ती जा रही है बहुत कुछ ऐसा है ना जो ये लग रहा है कि अब मिसिंग हो रहा है अब भूल रहा है यही होता है यार शुरू के क्वेश्चन क्या थे ना वो लेटेस्ट थे सितंबर अक्टूबर सितंबर और जुलाई अगस्त के थे अब ये धीरे धीरे जुलाई जून मई की तरफ जा रहा है तो मेमोरी से कहीं ना कहीं स्लिप होता नजर आ रहा है बाइकुला रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र अगला क्वेश्चन मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है बताइएगा मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है यह आपको बताना है सोच समझ के बताओ <coughs> ठीक है ना सोच so, समझ के बताइएगा मेरा गांव मेरी धरोहर यह किसके द्वारा शुरू किया गया है ठीक है ना मेरा गांव मेरी धरोहर यह किसके द्वारा शुरू किया गया सर यह शुरू किया गया है बी ऑप्शन अमित शाह जी के द्वारा नेक्स्ट अमृत भारत स्टेशन हाँ आप तो ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना हाँ चलिए टाटा बाय बाय अगला पॉइंट है आपके पास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा सर सी ऑप्शन तेरह अगला जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा किस देश के द्वारा की गई है भाई ये जो इस बार गलत करके आ जाए ना अपने गाल पे दो 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 तमाचा एक एक नहीं मार के आना अगर भारत का कोई लड़का ये क्वेश्चन गलत करके आ रहा है तो या लड़की भी लड़की तुम लोग अपना बाल नोच के अब फिर दो दो तमाचा मारना लड़कों तुम लोग खाली कि ये क्वेश्चन गलत भारी बेज्जती कहीं चुल्लू भर पानी में नहीं आधा चुल्लू पानी में फिर नाक रगड़ना पड़ेगा अगला भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मान केंद्र निम्न में से किस कहां स्थापित किया जाएगा बताओ निम्न में से कहा स्थापित किया जाएगा डी ऑप्शन केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। जीवन किरण नामक योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है जीवन किरण योजना सर बी ऑप्शन भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लखपति दीदी दीदी तुम लोग को देखो पैसा मिलेगा तुम लोग लखपति बन जाओगी तो हजार पति तो हम लोग भी बनेंगे कुछ हजार दो हजार सौ ग्राम पचास ग्राम हम लोग को मिलेगा कि नहीं देखो भाई अगर लड़कियां लखपति दीदी बनेंगी तो लड़कों को भी तो हजार दो हजार मिलेगा कुछ नहीं तो एक बार ट्रीट तो रेस्टोरेंट में दे ही देना यह शुरू किया है उत्तराखंड के राज्य सरकार ने ठीक है चंद्रयान थ्री अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा अरे सर थ्री है तो तीसरा होगा ना अगला निम्न में से किसने महिला प्रीमियर लीग दो का खिताब जीता है ठीक है ना महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है सी ऑप्शन मुंबई इंडियंस ने अच्छा एक लड़का अभी पीछे ही पड़ा है वो हम बोले थे ना कि एक सलमान खान और माधुरी दीक्षित जी की पिक्चर है खोज खाज के लड़का या लड़की ला दिया सर उस पिक्चर का नाम है हम आपके हैं कौन अरे हम आपके दोस्त हैं गुरु हैं हम आपके हैं कौन ऐसा कौन सी बात है भाई मुंबई इंडियंस ठीक है मुंबई इंडियंस ने जीता है महिला वाला और ऐसे आईपीएल चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस को हरा करके आजाद नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है सर आजाद है गुलाब नबी आजाद जी की गुलाब नबी आजाद जी की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नबार्ड का अध्यक्ष कौन है ये इंपॉर्टेंट है बड़ी बड़ी ये संस्थाएं नबार्ड के अध्यक्ष हैं केवी साजी ठीक है केवी साजी निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है तरल हाइड्रोजन संचालित नौका दुनिया की पहली तो भैया दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका नॉर्वे ने शुरू किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया बताओ भाई चाय बेचारी मेरी ठंडी फंडी हो जाती है डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश उत्तम है अच्छा सही से बताओ तुम लोग में से कुछ लोग चाय भी बना रही होगी या रहे होंगे कुछ लोग धड़ाधड़ चाय पी भी रहे होंगे या रहे होंगे इधर ससुरहा हम माहौल नहीं बन पा रहा है यार तुम लोग चाय बनाए करो ना तो एक बार मेरा नाम ले लिया करो इससे क्या होगा कम से कम आत्मा तो चाय पी लेगी अरे आपके लिए चाय बना रही हूं या सर चाय बन गया है मैं बना रहा हूं सर आइए एक कप चाय पी लीजिए आत्मा को शांति मिलेगी बाकी कुछ बचा थोड़ी है तुर्की में भारतीय सेना के लिए भूकंप पीड़ितों का जो ऑपरेशन चला ऑपरेशन दोस्त तुम लोग भी तो हमारे दोस्त हो भैया ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे चाय बना लीजिए तुरंत अगला पॉइंट निम्न में से कौन 100 परसेंट विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है तो 100 परसेंट विद्युतीकरण <coughs> वाला पहला राज्य कौन सा बना है हरियाणा बना है ठीक है हर ना हरियाणा बना है <coughs> मेघा कौशी करें आज मम्मी ने चाय नहीं दी तुम आज चाय बना के मम्मी को दे दो नालायक कहीं भरोसे बैठी है अगला 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सर डब्ल्यू की संयुक्त अरब अमीरात आ संयुक्त अरब अमीरात स्लीनेक्स जाहिर सी बात है भारत श्रीलंका के साथ करेगा कहाँ है एसल सी ऑप्शन अरे ऐसा श्रीलंका है आई एन इंडिया है ये एक्सरसाइज है लोग खेल हो गया अगला अभी हाल ही में बस होली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक मिला है यह किस स्थान से संबंधित है सर जम्मू कश्मीर लेके चलिए ए तुम लोग एक बार जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी दर्शन कर लेना यार सेलेक्शन के बाद मतलब मैं जब भी मेरे मन में आता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो वैष्णो माता जाने की सोच रहे होंगे काल भैरव महाकालेश्वर बाबा विश्वनाथ बैजनाथ धाम मैं जाने की सोच रहे हूँ सलेक्शन के बाद धूमधाम से अपनी पहली सैलरी खर्च करके पहुंच जाना मजा आएगा अच्छा होटल लेकर के रुकना मम्मी पापा को साथ में लेके जाना बहुत आनंददायक है मतलब कोई पूछे कि आपका ख्वाब तो कहो अपनी सरकारी नौकरी की पहली सैलरी से मम्मी पापा के साथ किसी मंदिर वाले स्तर पे किसी अच्छे होटल में रेस्टोरेंट में जाना दैट इज द ख्वाब ठीक है ना हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दो के अनुसार किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यही तुम लोग को अपना पूरा करना है तो ए ऑप्शन कर्नाटक ठीक है ना ए ऑप्शन कर्नाटक अगला राघव सर आ गए इनको हम आठ बजे कॉल किए थे उठाए नहीं फिर साढ़े आठ बजे कर सर हम उठ गए हैं और ये आए कह बजे 8:56 ये बस फ्रेश हुए होंगे ब्रश किए होंगे नहाएंगे कि नहीं नहाए इस बात की नहा लिए हाँ चमक तो रहे हो बहुत बढ़िया एकदम क्रीम पाउडर लगा के आ गए हैं दिल्ली ठीक है ना दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला हो रहा है निम्न में से क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं सर इसका आंसर होगा कीम कार्टन मारिया डैन गलत है ठीक है ना कीम कार्टन अगला पॉइंट नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे सर ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये एक स्टैटिक कहा गया है अगला निम्न में से किस देश में ओरियन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है ठीक है ना ओरियन नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है अच्छा देखो कमेंट बॉक्स में लिखवाएं कि लाइक एंड शेयर प्लीज अब राघव लिखेंगे ना देखना पीले पट्टी पे वो आ जाएंगे लाइक एंड शेयर प्लीज तो भैया उनकी बात मान लेना सुबह सुबह आज उठ के आए हैं तुम लोग को पीडीएफ देने के लिए लेकिन आज की पीडीएफ कहा मिलेगी तो अड्डा के कम्युनिटी पे मिलेगी और जो लोग यहाँ अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे लिंक वहां मिल जाएगी निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सर के आर राव को आपके कल्याण पुडी राधा कृष्ण राव को अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है यार राघव आज स्टूडेंट कह रहे हैं कि राघव सर को सामने लाइए सर राघव इतने सुंदर तो दिख रहा सर, रहे हो ब्लैक शर्ट एकदम दाढ़ी ओढ़ी रखे बहुत अच्छा लड़का छोटा छोटा सा 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 इतना बड़ा से, से बच्चा ले, ले ले बेटा वो वाली बात है ठीक है ना मैं आ जाओ राघव ताकि सब तुमको देख के खुश भी हो लें और गाली भी दे लें कि यही पीडीएफ नहीं देता है हम लोग को जब जब नहीं लगती है राघव आओ एक क्वेश्चन तो तुम्हें एक सौ पचास आ जाओ क्या हुआ शर्माना गया आओ सरमा नहीं रहा करा अरे सर हम सरमा कहा रहे हैं तो एक बार मिल तो लो जो तुम लोग को पीडीएफ देते हैं इतनी मेहनत हम लोग के साथ करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोई बात नहीं देखो ये हैं राघव सर जो कि मेरी हर क्लास के पीछे इनका बड़ा हाथ होता है यही तुम लोग को वास्तव में पीडीएफ देते हैं और नहीं भी लगता है तो यही नहीं लगाते हैं भाग रहे हो नहीं नहीं भी लगता है तो यही नहीं लगाते हैं लेकिन मेरे एक बार कह तुम लोग जब मैसेज करते हो रात के ग्यारह बजे की पीडीएफ नहीं मिली सर तो राघव को मैं सवा ग्यारह तक मैसेज करता हूँ रात में बारह एक बजे भी ये लड़का लगाता है पीडीएफ तो ये है राघव राघव आज टीचर बनोगे आप ही पढ़ाओ तो ठीक है आज की भी पीडीएफ मिलेगी ठीक है, <coughs> तो है? <coughs> है ना तो निम्न में से किसे मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार दिया गया है बी ऑप्शन पटनायक पटनायक को को ठीक है ना तो ये सारी चीजें हैं आ, आ, देखो कितने लोग लिख रहे हैं क्यूट है अरे ससुर क्यूट है, हट इक्यूट नहीं है। <laughs> <laughs> क्यूट है राघव ससुर धुल के आ दोबारा ठीक है अगला अगले क्वेश्चन अच्छा सुन लो आज भैया देखो 150 क्वेश्चन हो गया एक बार लाइक वाइक तो कर दो सब लोग एक बार लाइक वाइक कर दो ठीक है ना <coughs> हाँ, अब इससे आगे बढ़ते हैं और फिर याद दिला दू जिसको जिसको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लेना और आज जो मैं करंट अफेयर का बैच लॉन्च कर रहा हूं लल्ला दो घंटे के लिए लॉन्च होगा तीन हजार स्टूडेंट के लिए लॉन्च हो रहा है वरदान नाम से अड्डा स्टोर पे आ चुका है बैच वरदान नाम से और मेरा कूपन कोड वाई है ये कूपन कोड लगा करके तुम्हें वो निन्यानबे से भी कम में पड़ेगा इस वरदान बैच में करेंट अफेयर

भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी लगे रहो बस रुकना मत आएगा तुम्हारा दौर कभी क्योंकि जो टेम्प्रोरी लोग होते हैं ना वो एक दो दिन के लिए आते हैं लेकिन जो वास्तव में मेहनत करता है उसका दौर आता है ये जो मानसून और मौसम में डिफरेंस होता है ना वो बनो मौसम मत बनो मानसून बनो मौसम एक दो दिन कुछ घंटों का होता है जो आता है और बिगड़ता है मानसून स्थायी होता है ठीक है तो ऑल द बेस्ट जुड़िएगा तो दौर कभी ये बनना ठीक है अगला निम्न में से ये तो आज इधर ही रह जाएगा ठीक है ना निम्न में से आ, किस राज्य ने पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है ठीक है जल बजट तो जल बजट अपनाया है केरल ने ठीक है ना पहली बार जल बजट अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे अरे यार एक लड़का लिख रहा है ऐप कैसे डाउनलोड करें लल्ला पीडीएफ पहले यहां ऐप डाउनलोड करो वो जो चैट बॉक्स में लगा है तब जाके पीडीएफ मिलेगी वो देखो ऐप की लिंक लगी है पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा निम्न में से किसे हाल ही में बीस पच्चीस एम बी है यार ले लो रमन मैक्सेस पुरस्कार सर दलाई लामा ये उनसठ साल बाद इनको मिला है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दो हजार तेईस से किसे सम्मानित किया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है सर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से एलेसेंड्रा कोरैप को, को ठीक है ना एलेसेंड्रा कोरैप को डिंग लिरेन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं किस देश के हैं सर चीन के हैं डिंग लिरेन जी नेक्स्ट निम्न में से कौन चंद्रयान थ्री अभियान का हिस्सा नहीं है सोच समझ के आंसर देना क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम में ना चंद्रयान से क्वेश्चन बनना है तो चंद्रयान थ्री का हिस्सा नहीं है अभियान का तो चंद्रयान थ्री अभियान का, का हिस्सा ऑर्बिटर नहीं है ऑर्बिटर नहीं है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे ठीक है ना युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया सर वो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन गंगा अगला अच्छा जैसे ही मैंने ये बोला कि मेरा बैच तीन हजार स्टूडेंट्स के लिए है तुम लोगों ने नोटिस किया अड्डा स्टोर पे वो बैच आ चुका है अड्डा स्टोर पे वरदान नाम से और कम से और वाई वन एट टू मैंने कोड भी बना दिया कि वाई वन एट टू तुम देखो कि चार सौ लड़के गायब हो गए क्योंकि उनको पता है कि दो घंटे के लिए ओपन होगा और अगर तीन हजार स्टूडेंट हो गए तो नहीं तुम देखो अभी छह हजार लड़के थे इकसठ सौ करीब अब देखो पचपन सौ बचे हैं क्यों क्योंकि उनको पता है इस बैच की वैल्यू जो मुझसे पेड बैच में पढ़े हैं ना उनको अच्छे से एहसास है कि भैया इसमें स्टैटिक जीके सर रिकॉर्ड करके दे देना आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स सब करेंट अफेयर वो खुद पढ़ाएंगे और जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सातवां दिन डेडिकेटेड है दस महीने के लिए उनका थोड़ा और एक आध दो घंटे ज्यादा क्लास चलेगी तो चार सौ पांच सौ निकल लिए बैठ जाओ दिमाग तो है दिमाग तो है लड़कों के पास खैर मैंने यार देखो मेरा दिमाग वहां चला गया कि थे सब इकसठ सौ धीरे से पांच सौ निकल लिए कि ले ज्ञान लेके आ जा रहे हैं ठीक है दो हजार अब बैच का रेट भी कितना है निन्यानवे पड़ेगा पंचानवे छियानवे रुपए का वाई वन एट टू लगाने के बाद क्वाइन लगा लेना 2030-23 में मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहा आयोजित हुआ है मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन कहा आयोजित हुआ है डी ऑप्शन दुबई में आयोजित हुआ है दुबई में मशीन आपको देख लेगी ये जहां पे ये लिखा रहता है कैमरे से आप कैमरे की निगरानी में मन कहता है मारद दू थप्पर ससुर अगला अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया <coughs> अटुकल पोंगल उत्सव बी ऑप्शन तिरुअनंतपुरम ठीक है ना तिरुअनंतपुरम हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो सर भारत को स्थान प्राप्त हुआ है डी ऑप्शन एक ठीक है ना भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है एक अजय बांगा जो भारतीय मूल के हैं अमेरिका में हैं विश्व बैंक के किस नंबर के अध्यक्ष बने हैं किस देश ने अपना स्वयं का हीट इंडेक्स लॉन्च किया है, है बताइएगा निम्न में से किस देश ने अपना स्वयं का हीट इंडेक्स लॉन्च किया, किया है ठीक है बताओ तो अपना स्वयं का हीट इंडेक्स लॉन्च किया है भारत ने ठीक है पंद्रह मिनट अगला निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया तुम लोग नोटिस करो जब से मैंने यह बता दिया है कि बैच अड्डा स्टोर पे आ चुका है तब से 700 बच्चे गायब हो चुके हैं इकसठ सौ से मुझे तिरानवे जान रहे हो क्यों क्योंकि इनके पास अड्डा का क्वाइन था जो अड्डा ऐप डाउनलोड करने पर क्वाइन मिलता है वो ठीक है ना तो मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाह रहा हूं सर वो वो लड़के उधर खरीद लेंगे और इन बच्चों को मिल नहीं पाएगा ये बेचारे पढ़ने ऐसा करिए उस बैच की लिंक लगा दीजिए यहाँ पे ठीक है सर मैं यहाँ पे लिंक लगवा दे रहा हूं जिसको जिसको उस बैच को लेना होगा वो आप ले लीजिएगा मैं पढ़ाता रहूंगा नहीं तो बड़ा अत्याचार हो जाएगा खास करके ना तीन हजार सीट है दो घंटे के लिए खुला है फिर तुम लोग कहोगे कि सर आप इधर पढ़ाते रहे और उधर वो बैच खत्म हो गया तो मैं गाली नहीं देखो उस बैच की वरदान बैच की लिंक लग गई है चैट बॉक्स में जिसको भी लेना हो वरदान बैच y182 कूपन कोड लगा करके बैच को ले लो ठीक है ना अब मैं क्या बोलूं सात आठ सौ लड़के पहले ही धोखा देके निकल लिए उधर जाके बैच ले लिए अब उससे क्या होगा तीन ही हजार सीट है गड़बड़ाएगा माहौल तो मैं नहीं ये कूपन कोड लगा के जिसको भी लेना हो वहां पे एसएससी जीडी के लिए दिल्ली पुलिस के लिए सीपीओ के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो बैच और मैं 200 क्वेश्चन पे इसको रोक दूंगा ताकि मैं 200 क्वेश्चन आपको कल करवा दूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल लल्ला एस एस सी सीजीएल के लिए सीपीओ मैं एग्जाम नेम लिख दे रहा हूं जिनका जिनका सीपीओ का एग्जाम है सीजीएल मेंस का एग्जाम है स्टेनो का एग्जाम है आपके बिहार पुलिस का एग्जाम है बिहार पुलिस का एग्जाम है लल्ला आंख बंद करके भरोसा करके आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम है वो तटरक्षक बल टर बल का एग्जाम है वो सभी लोग इस बैच के साथ इनरोल हो सकते हैं जो वरदान नाम से जिसकी लिंक लगी हुई है और उसमें आपको बता दे रहा हूं स्टैटिक जीके का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो दिया हूं करेंट अफेयर 25 सितंबर से, से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा चार से पांच ये क्लास चलेगी टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेगी ठीक है ना करेंट अफेयर की ई e बुक भी इसके साथ फ्री कर दिया हूं और इसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी करेंट अफेयर की फ्री किया हूं हर हफ्ते अपडेटेड टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी ये इसकी खासियत है ठीक है ना अब बाकी आपके ऊपर है आप इसको जैसे क्योंकि मुझे पता है ये वाई वन एट टू कूपन कोड लगा के तीन हजार अभी हो जाएंगे अब मैं दो क्वेश्चन तक नहीं रुकूंगा इंडोनेशिया अगला हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक माय लाइफ एज अ कॉमरेड किसकी पुस्तक है देखो इनको यूनाइटेड नेशन ने भी पुरस्कार दिया था के के सैलजा ठीक है ना के के सीरीज भी इसमें इंक्लूड है टेस्ट सीरीज भी अगला रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट ऑपरेशन आहट निम्न में से किसे फिक्शन पुलिजर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है फिक्शन पुलिजर पुरस्कार 2023 ठीक है ना फिक्शन पुलिजर पुलिजर पुरस्कार 2023 ऑप्शन ये दोनो, ये दोनों 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 तेईस डियाज और बारबरा किंग को भी निम्न में से किसे लॉरियंस लौ, पुरस्कार खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है तो ये किसको दिया गया है ऑप्शन लियोन मेसी को निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी शुरू की जाएगी टैक्सी सर उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है नोएडा साइड अगला पॉइंट भारत का पहला ड्रोन स्कूल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है सर बी ऑप्शन ग्वालियर में खोला गया है नेक्स्ट भारत का पहला वायस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर यह ऐप लॉन्च किया गया है बी ऑप्शन सिटी यूनियन बैंक के द्वारा हाल ही में कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है यह किस राज्य में पाया जाता है दोहरा लो अच्छा देखो दुनिया कितनी तेज है और ये अच्छी चीज़ है मैं अभी कितने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था छः हजार एक सौ तीन हजार सीट थी सैंतालीस सौ स्टूडेंट रह गए मतलब समझ रहे हो ना कहाँ मैं छः हज़ार एक सौ पे था जैसे ही बैच अड्डा स्टोर पे आया उसकी लिंक लगी अब देखो सैंतालीस सौ स्टूडेंट हैं इनमें से करीब करीब चौदह स्टूडेंट गायब हो गए बैच लेने के लिए ये होता है कैरियर के प्रति संजीदगी पता ही नहीं नब्बे पंचानवे रुपया जीवन में कई बार खर्च करेंगे लड़के लेकिन अपने करियर के लिए संजीदा होकर खर्च करना आठ आठ एक एक दो दो नंबर के लिए संघर्ष करना इसे कहते हैं रियल कंपटीशन ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है लल्ला इकसठ सौ स्टूडेंट थे सैतालीस सौ पे आ गए कहां गए दो मिनट के अंदर सारे स्टूडेंट्स इस बैच के ऊपर चले गए जिसकी लिंक आपके सामने लगी है अब इसी में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर तो सर आज सर बैच लल्ला मैं क्या करूं पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा और मैं इनको रोक भी नहीं सकता ये इनका अधिकार है ठीक है ना ये इनका अधिकार है <coughs> अगले पॉइंट पे आते हैं हाँ पढ़ ले पढ़ ले कमेंट ठीक है ना चलिए सर नहीं नहीं अंकित झा चार सौ उन्तीस रुपया सो हो रहा है लेकिन Y182 अप्लाई कूपन कोड कर देना तो ये तुम्हें निन्यानवे रुपए से भी कम में पड़ेगा कूपन कोड ये मेरा है मेरा बैच है इसको तुम अप्लाई कर देना ठीक है ना और लिंक यहां लगी है उसी से चले जाओ पड़ जाएगा ठीक है ना इसका राइट आंसर है सी पढ़ जी अब मुझे लग रहा है 200 क्वेश्चन पर रोक के अगला 200 कल पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बैच लेने जा रहे हैं अब मैं उसमें से सम्मानित किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार डी ऑप्शन आशा भोसले एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मंदसौर में शुरू हुआ है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है दुनिया का सबसे महंगा शहर ठीक है है ना हाँ, बिल्कुल टेहरी, सानुजी, बिहार के लिए है ये न्यूयॉर्क हाल ही में जारी किए गए विश्व बैंक रसद सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है विश्व बैंक रसद सूचकांक में निम्न में से वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई हैं? तो पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा निम्न में से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला मतलब तलवारबाजी खिलाड़ी बन गई हैं आंसर करिएगा तो तलवारबाजी खिलाड़ी बनी है सबकत मलिक जी सबकत मलिक चंद्रयान थ्री मिशन के परियोजना निदेशक कौन है बताओ चंद्रयान थ्री मिशन के परियोजना निदेशक सर परियोजना निदेशक है पी वीर मुथुवेल जी ठीक है ना अब देखो ये नाम इतिहास में बहुत बड़ा नाम दर्ज हो गया है पी वीर मुथुवेल जी अगला संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार ये किसको दिया गया है? 2023 का बॉम्बे जयश्री को आईफा अवार्ड 2023 में अब देखो ये आईफा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं है आईफा में विक्रम बेदा के लिए ऋतिक रोशन को जबकि उनहत्तर राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अवार्ड में अल्लू अर्जुन को निम्न में से किस टीम ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है सर आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है ठीक है अगला सत्तावनवे ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सर सत्तावनवे ज्ञानपीठ पुरस्कार का आपको बी ऑप्शन दामोदर मौजो में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला दो का आयोजन किया गया है सर ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है दुनिया से लकड़ी के उपग्रह को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है सर भारत के कश्मीर में हो रहा है ठीक है ठीक ना 200 क्वेश्चन पे मैं इस सीरीज को रोकूंगा और इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं कल सुबह आठ बजे आपको करवा दूंगा निम्न में से किस राज्य द्वारा राजा नामक कृषि त्यौहार मनाया जा रहा है राजा नामक कृषि त्यौहार उड़ीसा में मनाया जा रहा है अभी नुआ खाई पर्व भी वहां चल है। अभी हाली में किसके द्वारा कैरियर बैटल मत वो बैच का ही है। अभी दो से भी कम का वो बैच है जो वरदान आज लॉन्च हो रहा है जिसकी लिंक लगी है अभी हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया आर्टिफिशियल इम्र विकसित किया है, है इसराइल ने वो अलग चमक रहा है गृह ज्योति नामक योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है अब थोड़ा थोड़ा भूला भूला भटका भटका लग रहा है ना तो सर इसका राइट आंसर है कर्नाटक भारत के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी मोटो जीपी उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं सर भवानी देवी समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है सर ए ऑप्शन एस्टोनिया ठीक है एस्टोनिया <coughs> अगला पॉइंट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ठीक है ना किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सर ए ऑप्शन भारत अगला उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन सफदरजंग जंग नई दिल्ली में हुआ है निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर ऑप्शन अमिता देवरानी को ग्लोबल लिवबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर ऑस्ट्रिया का वियना सर ऑस्ट्रिया तो देश है वियना दो क्वेश्चन भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड नाइनटीन के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है सर वो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते इसमें अभी करीब करीब आपके 400 के आसपास क्वेश्चन है जिसकी पीडीएफ मैं कम्युनिटी के ऊपर दे दूंगा ठीक है ना जिस और मैं इसको अभी कल भी 8 बजे सुबह पढ़ाऊंगा ठीक है ना मैं इसको कल भी सुबह आठ बजे पढ़ाऊंगा और जो बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है ठीक है ना मैं उस बैच के बारे में आपको बता दूं जो बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया है जिसको आज तीन हजार जिसमें सीटें रखी गई हैं आप या तो वो लिंक दी हुई है चैट बॉक्स में वरदान नाम से उस पर क्लिक कर लें या आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप पर चले जाएं और अड्डा स्टोर पे चले जाएं अड्डा स्टोर पे जाने के बाद यहां ऑल कोर्सेज है इस इसपे क्लिक करिए एस एस सी पे क्लिक करिए चूंकि ये जो बैच है दिल्ली पुलिस सीजीएल यूपी पुलिस कांस्टेबल एआई बिहार पुलिस एसएससी जीडी स्टेनोग्राफर सीपीओ सभी के लिए है करंट अफेयर तो सब में आना है तो फिर यह हर एग्जाम के लिए जरूरी आप किसी पे भी क्लिक करेंगे वो आपको मिलेगा चलो हमने ऐसे दिल्ली पुलिस पे क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वरदान नाम से यहां मौजूद है आइए हमने इसको एस एस सी जी डी पे क्लिक किया वरदान नाम से यहां पे मौजूद है हमने क्लिक किया एसएससी सीजीएल पे वरदान नाम से यहां पे मौजूद है अब देखिए हमने क्लिक किया एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें भी आप जाएंगे तो वीडियो कोर्सेज में ये भी आपको मिलेगा और एक आप कोई ले लीजिए जैसे कि कोई भी एक ले लो यार स्टैनोग्राफर स्टैनोग्राफर यहां पे मौजूद है और आप लीजिए सीपीओ सीपीओ में देखिए यहां पे मौजूद है हर जगह यह मौजूद है अब इसको ओपन करते हैं चार का दिखा रहा है कई लोग परेशान हैं लेकिन मैं बता दूं ये चार में नहीं है ये बैच है आपके मात्र लगभग निन्यानवे रुपए में और अगर आपके पास अड्डा का क्वाइन है तो और कम में कूपन कोड Y182 ठीक है ना कूपन कोड Y182 तो ये आपको पड़ेगा एट द रेट 99 अब मैं आपको इस बैच की खासियत बता दूं जितने मेरे बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं जितने भी स्टूडेंट सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल के हैं मैं आपको बताऊं इस बैच के बारे में जरा समझना इसमें मैंने साठ टेस्ट सीरीज दिए हैं साठ सीरीज इसमें आपको मिले हुए हैं ये सारे जब आप लेंगे तो ये सारे प्रैक्टिस सेट टेस्ट से टे सीरीज के आपके लिए अनलॉग्ड हो जाएंगे हर हफ्ते में आपको एक नया टेस्ट सीरीज यहां पे मिलता रहेगा आप इसको दे पाएंगे दूसरी चीज इसमें मैंने अपनी करंट अफेयर की जो मेरी किताब है पिछले छह महीने की बेस्ट उसका ई बुक दे दिया है कि आप खाली समय में इस किताब को कभी भी ओपन करके अपडेटेड इसको आप पढ़ सकते हैं यह दे दिया है तीसरी चीज आप देखिए इसमें मैंने क्लासेस आपको दी हुई हैं साथ ही साथ स्टैटिक जीके ये मेरा जो स्टैटिक जीके है इसमें मेरे दस वीडियोस हैं इन दस वीडियोस में ये देखिए आपके लिए सारे यहां पे जैसे मैंने स्टैटिक जीके क्लास वन स्टैटिक जीके क्लास टू पचास मिनट तिरालीस मिनट उनचास मिनट ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है टॉपिक वही आर्ट एंड कल्चर मंदिर महोत्सव स्पोर्ट्स इस तरीके के टॉपिक आपके किसमें हैं तो मेरे इसी -इस, ये रिकॉर्डेड करके दिया हूं ये वाला मैं लाइव पढ़ाऊंगा और ये मैं लाइव किस दिन से पढ़ाऊंगा ये बैच में लाइव पढ़ाना शुरू करूंगा 25 सितंबर से ठीक है 25 सितंबर से चार से पांच ये मैं पढ़ाऊंगा चार से पांच पीएम पर आपको अच्छा चाहे आप अच्छा इसमें आप जो अच्छा जो खास करके बिहार के स्टूडेंट हैं जो खास करके बिहार के स्टूडेंट हैं, इसमें कुल सात क्लास हैं ठीक है ना सात ये जो सातवें दिन होगा उस दिन मैं बिहार का स्पेशल बिहार स्पेशल पढ़ाने वाला हूं क्योंकि उन बच्चों का एग्जाम एक तारीख से है और यह पूरा तो चाहे बिहार का हो चाहे सीपीओ स्टेनो कोई भी हो सभी के लिए कवर होगा यह बात भी आप ध्यान रखेंगे तो लल्ला ये जो बैच है ना आप अगर इसे देखें तो इस बैच में मैं एस एस सी सीपीओ स्टेनोग्राफर इन सब का एग्जाम है किसी का चार अक्टूबर से किसी का चौदह अक्टूबर से किसी का एक अक्टूबर से बिहार पुलिस सीजी एच आपके सीजीएल मेंस और आप जो टेट वगैरह का टीचिंग का एग्जाम देते हैं बीपीएससी बी ट्रिपल एस का एग्जाम यूपी ट्रिपल एस उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पुलिस अगर इनमें अफेयर और स्टैटिक जीके आ रहा है तो फिर यह बैच आपके लिए है है हाँ, एक बात है कि इस क्लास में ठीक है ना इस क्लास में आपको मैं क्या कह रहा हूं स्टैटिक जीके तो आपको तुरंत आप आज ही से पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये आपको मिलेगी ये वाला करेंट अफेयर वाला पोर्शन मैं डिटेल में टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा और भरोसा करना ये जो बैच है ना ये मात्र छ सात दिनों में एक बड़ा मतलब जो कहते हैं ना बड़ा चेंजिंग लाएगा तुम्हारे में वो ये बैच रहेगा निन्यानवे रुपए में, में यह बैच मिलेगा और कूपन कोड में फिर से लिख दे रहा हूं वाई वन एट टू इस कूपन कोड को लगा करके निन्यानवे रुपए से भी कम में पड़ेगा ठीक है ना तो ये चीज अच्छा अगर एक बार यहां पर हम लोग लगा करके देखें जैसे हम इसको व्यू ऑफर कर लेते हैं ठीक है ना व्यू ऑफर करते हैं यहां पे आ रहा है इंटर इंटर कूपन कूपन कोड कोड ये लो इंटर कुपन तो मैं लगाया वाई 182, यहां पर तो हो गया अट्ठानवे लेकिन मैं लिख सकता हूं कि मेरा स्टूडेंट जो अड्डा के ऐप से खरीदेगा उसको तिरानबे चौरानवे रुपए में मिलेगा क्यों क्योंकि वहां पर कुछ क्वाइंस मिलते हैं तो ये निन्यानवे का भी नहीं होगा ये तिरानवे चौरानवे पंचानवे रुपए में दो चार रुपए इधर उधर आपको यह बैच पड़ेगा और याद रखिएगा जितनी सीट यहां पे लिखी है 500 सीट यहां पे 500 लिखी है लेकिन मैं आपको बता दूं यह 3000 सीट है 3000 सीट है इसमें जो कि अब से दो घंटे तक के लिए ओपन होगी अगर भर गई तो ठीक है नहीं भरी तो एक दो दिन तक चलती रहेगी अब मान लो पांच एडमिशन हुआ ठीक है एक मिनट के लिए मान ले पांच एडमिशन तो फिर पच्चीस तारीख तक तो ये चलता रहेगा ठीक है तो लल्ला जितने भी लोग यहां मौजूद हो ये बैच जाकर के वाई वन एट टू कूपन कोड के साथ ले लो और छे दिन छ से सात दिन मेरे साथ इस करेंट अफेयर कैप्सूल कोर्स में स्टैटिक जीके के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ सिलेक्शन की गारंटी है मतलब उस नंबर की जो नंबर हम लोग को लाना है करंट और स्टैटिक से भाई देखो मेला आर्ट कल्चर महोत्सव पूछना ही पूछना है तो फिर क्यों ही नहीं कवर करें ठीक है ना और इस बैच को लेने का सबसे आसान तरीका है यहां पे एक लिंक दी हुई है चैट बॉक्स में उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं अच्छा अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पीडीएफ पीडीएफ के लिए अड्डा का ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके देखो पीडीएफ के लिए बता रहा हूं यहां पे लिखा रहता है कम्युनिटी ठीक है ना यहां पे लिखा रहता है कम्युनिटी उस पर क्लिक कर देना ये अड्डा का ऐप है ठीक है अड्डा ऐप उसके बाद दूसरा वाला फॉन्ट खुलेगा उसमें यहां पे लिखा रहेगा एक्सप्लोर ग्रुप ठीक है ना अपना मोबाइल का ऑप्शन ओपन करो एक्सप्लोर ग्रुप लिखा रहेगा फिर उस पर पहला स्टेज ये है दूसरा ये अब तीसरी स्क्रीन खुलेगी और वहां पे यहां पे रहेगा मेरा चेहरा बना होगा और लिखा होगा करेंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर यहां पे ऑप्शन होगा फॉलो का और यहाँ पे ऑप्शन होगा पीडीएफ डाउनलोड का यहां से डाउनलोड कर लेना ठीक है राघव सर लगा दीजिएगा कम्युनिटी पे इसका पीडीएफ ठीक है अभी लगा दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट वहां से ले सके तो जो जो लोग कम्युनिटी पे पहुंच रहे हैं अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लो उसकी लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक्सप्लोर ग्रुप पे जाओ यहां पे जाओ और यहां पे पीडीएफ मिल जाएगी लेकिन आज का मुद्दा ये करेंट अफेयर का जो आपका बैच है वो है ठीक है ना आज का मुद्दा क्या है करेंट अफेयर का वरदान कैप्सूल बैच जो है ये आपका मुद्दा है मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार जिनका भी सीपीओ का एग्जाम है स्टेनोग्राफर का बिहार पुलिस का यार मैं तुम ही लोगों को ध्यान में रख करके ये करें और स्टैटिक जी पूरा रिकॉर्ड करके दिया हूं दस घंटे का वो आपको आज ही से पढ़ना शुरू कर देना ठीक है ना ये निश्चित यार मैं लिख करके दे रहा हूं कि सब लोग क्या करोगे इस क्लास के साथ इसके साथ एक बार जुड़ना ठीक है ना और मैंने कम्युनिटी पे पीडीएफ लगवा दिया है अगर मैं अपनी मोबाइल को ऑन करूं और मैं इसका ऐप ऑन करूं अड्डा का ऐप देखो ये अड्डा के ऐप की यहाँ पे है मैं अगर इसे ऐप ये करूं और ऐप में मैं कम्युनिटी में चला जाऊं कम्युनिटी में एक्सप्लोर ग्रुप में चला जाऊं एक्सप्लोर ग्रुप में आशुतोष त्रिपाठी सड़सठ हजार फॉलोअर्स हैं उसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो देखो यहाँ पे मैंने तेईस सेकेंड पहले इस क्लास की पीडीएफ भी पिन कर दी है वो आप 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 फॉलो करके पहले फॉलोइंग पे दबा देंगे उसके बाद आप इस पीडीएफ को ले पाएंगे ठीक है तो बिल्कुल तो ये सारी स्थिति है लेकिन बात वही काम वही जो अच्छा हो ये बैच बैच मात्र 98 और कूपन के थ्रू ऐप के थ्रू और कम में पड़ जाएगा याद रखना इस बात को याद रखना कूपन कोड Y182 ये यह है वो कूपन कोड जिस कूपन कोड के जरिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं खास करके जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम है याद रखना पूरा बिहार का करंट अफेयर मैं एक दिन इस बैच में कवर करूंगा सातवें दिन क्योंकि ये बैच सीपीओ सीजीएल स्टैनो दिल्ली पुलिस जी सभी के लिए है करेंट अफेयर तो सब में कॉमन है ना यार मेंस में भी ये काम आएगा आपको तो प्लीज और प्लीज इस बैच के साथ जुड़ जाइएगा ठीक है ना और जो मैं पेड क्लास में पढ़ाऊंगा उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी सोचो इस बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी है मेरे अफेयर की ई e बुक भी है और आपके लाइव क्लासेस भी हैं तो लाइव रिकॉर्डेड ई बुक टेस्ट सीरीज सब कुछ है इस बैच के साथ तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीन हजार सीट भरे उससे पहले आप इसको ले सकते हैं आप एसएससी का जेई का एग्जाम दे रहे हो टीचिंग का एग्जाम दे रहा हूं जहां जहां करेंट अफेयर आता है स्टैटिक जीके पूछता है नृत्य कला महोत्सव मेला पूछता है ये बैच आपके लिए है और मैं लंबे दिन मेहनत नहीं करवाऊंगा मात्र सात दिन लेकिन जम के मेहनत करवाऊंगा और फिर देखता हूं कि क्या आ, होगा ठीक है ना फिर देखेंगे क्या होगा और आज के क्लास के जो डेढ़ दो सौ बच्चे क्वेश्चन है वो कल सुबह आठ बजे भी करेंगे तो जा सकते हैं आप सभी लोग वाई वन एट टू कूपन कोड लगाएंगे क्योंकि इस कूपन कोड की गारंटी मेरी है। मेरा बैच मेरा कूपन कोड जाहिर सी बात है कि मेरे पास आपकी जानकारी आ जाएगी कि यस ये मेरा स्टूडेंट जुड़ गया है ठीक है ऑल द बेस्ट कूपन कोड ये है तीन हजार सीट है आप इसको जाकर के ले सकते हैं थैंक यू सो मच धन्यवाद बाय बाय ऑल द बेस्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बैच को